एषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न सीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। हमारे गुरु जी जब हमको पढ़ाते थे तो ये बहुत सुनाते थे और हमें नहीं सुनाते थे। कुछ हमारे क्लास में विद्यार्थी थे जो पढ़ाई वाला जो उनका कर्तव्य था उससे वो अपने आप को विमुक्त समझते थे, यानी कि उससे निरपेक्ष समझते थे कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं था कि उनके मस्तिष्क में कोई कमी थी या उनको समझ में नहीं आता था या कोई कमी थी। असल में उनमें कर्तव्य भाव नहीं था, और जब तक कर्तव्य भाव आप में नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई हो या पढ़ाई के बाद में आप नौकरी में जाएंगे या उसके बाद में आप बिजनेस करेंगे या किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो कर्तव्य बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस श्लोक को गुरुजी खूब सुनाते थे। इसका सामान्य सा मतलब होता है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ये श्लोक कहता है जिसके पास ना ज्ञान है ना गुण है ना धर्म है ना दान है, वह इस मृत लोक पर पशु के समान विचरण कर रहा है। ठीक है, तो ये तंज कसते थे वो, और ये तंज मैं उन विद्यार्थियों के लिए कस रहा हूँ आज जो कर्तव्य भाव से पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हैं, बस ये नाम का पढ़ाई से यूपीएससी नहीं निकलेगा। यूपीएससी की पढ़ाई में लगना पड़ेगा। क्लास जब स्टार्ट होती है तब बैठ जाओ कॉपी पेन खोल करके, और जब क्लास बंद हो यानी कि जब हम अपना आखिरी शब्द बोलें तब तक डटे रहोगे, तब यूपीएससी निकलेगा। कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, मेल करो, फोन करो, मैसेज लिखो या कमेंट करो, लेकिन पढ़ाई ध्यान से करो। कुछ भी नहीं छूटेगा यहां से, हमारे द्वारा कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन आप अगर सही टाइम नहीं देंगे, आप पूरा टाइम नहीं देंगे, आप आएंगे और छोड़ के चले जाएंगे तो काम नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक नैतिक कर्तव्य मैं आपका भी निर्धारित करता हूं। वो नैतिक कर्तव्य ये है कि ओनली यूपीएससी की टीम इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी जो जिसकी फीस लाखों में होती है वो फ्री में करवा रही, वो आपसे एक चीज मांगती है, और वो भी अपने लिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, बस एक चीज वो ऐसी चीज है कि आप इस वीडियो को ट्रेंडिंग में ला दिया कीजिए। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो वीडियो ट्रेंडिंग में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो कुछ फायदा हो रहा है, अरे भाई इससे मेरे से ज्यादा फायदा उन विद्यार्थियों का होगा जहां तक ओनली यूपीएससी भी पहुंच नहीं पाया है। ओनली यूपीएससी का सिंगल एजेंडा है, एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा को अंत उदय तक पहुंचाना, वो भी मुफ्त में बिना पैसा लिए हुए, हर उस विद्यार्थी को शिक्षा देना, उचित शिक्षा देना, उस योग्य शिक्षा देना जिससे वो कर सकता है वो, और वो भी फ्री में घर बैठे हुए, यानी कि अपने घर परिवार समाज को भी छोड़ करके पढ़ाई करने नहीं जाना है, उस वनवास से भी आपको यूपीएससी बचाता है। आइए क्लास शुरू करते हैं। पिछले जियोग्राफी की क्लास में आपने वाताग्र की परिभाषा तक समझ लिया था, अब वाताग्र के प्रकार की बात करते हैं। वाताग्र के प्रकार, तो वाताग्र चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्थिर वाताग्र, स्थिर वाताग्र। दूसरा है आपका शीत वाताग्र, शीत वाताग्र। और तीसरा है आपका उष्ण वाताग्र। और चौथा है आपका संरोधित, वाताग्र, संरोधित वाताग्र। तो ये चार प्रकार के वाताग्र होते हैं, स्थिर वाताग्र, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र और संरोधित वाताग्र। इनको समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या होता है। तो जब ठंडी वायु राशियां और गर्म वायु राशियां दोनों अपने अपने क्षेत्र में होती हैं, यानी एक दूसरे से टकराई नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति को स्थिर वाताग्र कहा जाता है। चित्र से समझिए कि जैसे ये ठंडी वायु राशि है और इधर गर्म वायु राशि है, गर्म वायु राशि,
जब ये दोनों अपने क्षेत्र में होते हैं यानी कि एक दूसरे से टकराए नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति को कहा जाता है स्थिर वाताग्र। यानी कि दोनों वायु राशियां अपने क्षेत्र में हैं और टकराई नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। दूसरा है आपका शीत वाताग्र। इसे समझते बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल भी आता है, ठीक है। शीत वाताग्र क्या है? स्थिर वाताग्र आप समझ गए होंगे कि जब वायु राशियां अपने क्षेत्र में होती हैं तो उन्हें स्थिर वाताग्र कहा जाता है। अब शीत वाताग्र समझना है तो शीत वाताग्र में होता क्या है कि ठंडी वायु राशि जो होती है, ठंडी वायु राशि वो गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है। हेलो हेलो, उनको बोल तो आवाज कम कर ले। तो ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि है, तो जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है, ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो चूंकि जो ठंडी वायु राशि होती है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, तो ये जब इसके क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये गर्म वायु राशि बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती है। क्या होती है? बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती है, और जैसे ही ऊपर उठती है गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। हालांकि वर्षा की जो अवधि होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि वो कम समय के लिए वर्षा होती है लेकिन बड़ी भयावह वर्षा होती है। गरज चमक, बिजली, एकदम मूसलाधार पानी के साथ वर्षा होती है। तो ये होता है आपका शीत वाताग्र। शीत वाताग्र क्या है? जब ठंडी वायु राशि किसी गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो चूंकि ठंडी वायु राशि बहुत शक्तिशाली होती है वो गर्म वायु राशि के अपने ऊपर उठा देती है एकाएक, और जिससे होता क्या है, गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होता है, ठीक। अब बात करते हैं उष्ण वाताग्र की। तो हो गया आपका शीत वाताग्र, अब बात करते हैं उष्ण वाताग्र की। उष्ण वाताग्र क्या होता है? तो उष्ण वाताग्र जो है वो शीत वाताग्र का उल्टा होता है। उष्ण वाताग्र जो है वो शीत वाताग्र का क्या होता है? उल्टा होता है। जब कोई गर्म वायु राशि किसी ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी कि इससे पहले क्या था कि ठंडी वायु राशि गर्म में प्रवेश कर रही थी तो वो शीत था, यहां पर क्या होता है कि गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है और वो धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर उठती है। यानी कि जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो धीरे धीरे वो ऊपर उठती है, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि बरसात तो होती है लेकिन बहुत हल्की फुल्की वर्षा होती है, लेकिन बरसात की अवधि लंबी होती है, यानी कि बरसात बहुत लंबे समय तक होती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था आपका उष्ण वाताग्र। दोनों में अंतर क्या है? शीत में ठंडी वायु राशि गर्म में प्रवेश करती है, और उष्ण में क्या होती है, गर्म वायु राशि ठंडी में प्रवेश करती है, और उसका परिणाम क्या होता है, ठंडी में मूसलाधार वर्षा होती है, कम समय के लिए होती है, लेकिन उष्ण में वर्षा धीरे होती है लेकिन लंबे समय के लिए होती है। अब बात करते हैं संरोधित वाताग्र की। ये वीडियो आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, समय का अभाव है, ठीक है। संरोधित वाताग्र, संरोधित वाताग्र का मतलब, संरोधित शब्द का ही मतलब होता है कि जब दो चीज आकर के मिले कहीं पर, संरोधन हो, ठीक है। तो जब दो प्रकार की वायु राशियां यानी कि गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में आकर के मिलती हैं तो ठंडी वायु राशि के ऊपर गर्म वायु राशि चढ़ जाती है, जिसको संरोधन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संरोधन कहते हैं, और इससे जिस वाताग्र का जन्म होता है उसे संरोधी वाताग्र कहते हैं। वास्तव में जो वाताग्र की परिभाषा है वो इसी संरोधन से जन्मी होती है, और संरोधन ही वाताग्र है, वाताग्र ही संरोधन है, तो इसको क्या कहते हैं, संरोधी वाताग्र कहते हैं। अब चूंकि वर्गीकरण में इसका भी नाम आपको किताबों में मिलता है, अगर मैं इसको सिर्फ उसके परिभाषा में समझा देता तो आप सोचते कि गुरुजी को छोड़ दिए, तो गुरुजी ने इसका भी वर्गीकरण लिख लिया, ठीक है। तो संरोधी वाताग्र का सिंपल सा मतलब है जब दो अलग अलग प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो गर्म वायु राशि ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु राशि नीचे बैठती है, जिससे संरोधन होता है, और संरोधन के बाद क्या होता है, वाताग्र खत्म भी धीरे धीरे होने लगता है।
तो ये है आपका संरोधी वाताग्र। इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक की। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई संदेह है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, जब अगली क्लास होगी तो उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह।